जो कि एलजी नजीब जंग से मिलने के लिए जा रहे थे, उन पर स्याही से हमला किया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ब्रजेश शुक्ला नाम के शख्स ने स्याही फेंकी है। एलजी और हाउस के बाहर ये स्याही फेंकी गई है। करावल नगर का रहने वाला है ब्रजेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि हाल ही में फिनलैंड से लौटे हैं, ये देखिए तस्वीरें। मनीष सिसोदिया गुलाबी रंग की शर्ट पहने जब एलजी से मिलने पहुंचे, वहां पर ब्रजेश शुक्ला नाम के शख्स ने उन पर स्याही से हमला बोल दिया। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, हम लोगों की सरकार है जो दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, लोगों की हेल्थ और एजुकेशन को लेकर काम करने के लिए कमिटेड है, और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं उस शख्स की तस्वीर है जिसने स्याही फेंकी है मनीष सिसोदिया पर। मनीष सिसोदिया की शर्ट पर, उनके हाथों पर स्याही जनता से कोई लेना देना फेंकी गई है। इनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि हेल्थ और एजुकेशन। ब्रजेश शुक्ला जिस शख्स ने स्याही फेंकी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिनलैंड में जो हमारे पैसे से, इनके पैसे, सबके पैसे से बाहर घूमने जरूरी समझ रही है, समुद्र के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं, कितनी गलत बात है। नहीं, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, हम लोगों की सरकार है जो दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, लोगों की हेल्थ और एजुकेशन को लेकर काम करने के लिए कमिटेड है। एक तरफ कांग्रेस है या बीजेपी के लोग हैं, जो भी लोग हैं, ये लोग अपना इंक पे काम कर रहे हैं, तो इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि हेल्थ और एजुकेशन पे जो काम हो रहा है उसको रोक लिया जाए। और बीजेपी की घटिया राजनीति है, इन लोगों को दिल्ली के लिए कुछ करना है नहीं, ये सिर्फ इंक फेंकने और इंसल्ट की राजनीति करते हैं। अगर मैं इनको चुनौती देता हूँ, बीजेपी के पास एमसीडी है, जाके अगर बीजेपी के कूड़ाघरों को साफ करके दिखाएं, जो ये नगर निगम के, नगर निगम में इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा, एजुकेशन में कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस इतने दिन साल से रही, एजुकेशन का बंटाधार कर रखा है, पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम का बंटाधार करके रखा हुआ है कांग्रेस ने, तो अब इनसे कुछ हो नहीं रहा। जनता कह रही है भाई ये तो आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है, तो ये लोग ऐसे इंक फेंक के सारे मुद्दों को डाइवर्ट करा रहे हैं। मैं अपने खुद आया हूं, मैं कंप्लेंट देने आया था, बाहर घूमते रहते हैं, दिल्ली को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के खिलाफ कंप्लेंट है, बहुत सारी कंप्लेंट रखी है अंदर, मैंने ये सारी इसके अंदर रहेंगी। यार मैं भाग थोड़ा रहा हूँ भैया, यही बोल रहा हूँ मैं। पार्टी से क्या मतलब है आपका, इन लोगों ने गलत काम किया है, बाहर घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, यहाँ नहीं देखा जाएगा। फिनलैंड घूमने जो हमारे पैसे से, इनके पैसे, सबके पैसे से बाहर घूमने जरूरी समझ रही है, समुद्र के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे खड़े हैं, पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कल के आए हुए हैं, यहाँ पर 12 बजे यहाँ मीटिंग करने आ रहे हैं एलजी साहब की, यहाँ पे कितनी गलत बात है इनकी, नहीं है इनको ये वो तस्वीर जब मनीष सिसोदिया और राज्यपाल के पास थे और इंक फेंकी गई। सर ये क्या तरीका है, क्योंकि अभी आपके ऊपर इंक फेंकी गई और ये कांग्रेस और बीजेपी की घटिया राजनीति है, इन लोगों को दिल्ली के लिए कुछ करना है नहीं, ये सिर्फ इंक फेंकने और इन सब की राजनीति करते हैं। अगर मैं इनको चुनौती देता हूँ, बीजेपी के पास एमसीडी है, जाके अगर बीजेपी के कूड़ाघरों को साफ करके दिखाएं, जो ये नगर निगम के, नगर निगम में इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा, एजुकेशन में कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस इतने दिन साल से रही, एजुकेशन का बंटाधार कर रखा है, पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम का बंटाधार करके रखा हुआ है कांग्रेस ने, तो अब इनसे कुछ हो नहीं रहा। जनता कह रही है भाई ये तो आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है, तो ये लोग ऐसे इंक फेंक, ये आप देख सकते हैं चेहरे पे, देख सकते हैं किस तरीके से इंक फेंकी गई। मनीष सिसोदिया जब उपराज्यपाल के घर से बाहर निकल रहे थे, नाराजगी क्या है, दूसरी तरफ वो तस्वीर आप देख सकते हैं जिसने इंक फेंकी और मनीष सिसोदिया के ऊपर ये शाही, आप ये देख सकते हैं ये पॉलिथिन और ये शीशी लेकर आए थे, और उस समय जब मनीष सिसोदिया पत्रकारों से बात कर रहे थे उस समय ये फेंकी गई थी मनीष सिसोदिया के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं। ब्रजेश क्या वजह थी आपने इंक फेंकी, कितनी बार बताऊंगा क्या वजह थी, आप सबको पता है ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ में। क्या गलत की, डेंगू चिकन डेंगू परेशान है यहाँ, दिल्ली जनता मरे जा रही है, हमारे पैसे जनता के पैसे बाहर घूमते फिर रहे हैं, क्या मतलब आपका बाहर घूमने का भाई, कहाँ से आप, कहाँ से करावल नगर से, करावल नगर किस से, किसी दल से है, कहाँ से, कुछ भी हूँ यार, जब तक आप किस नजर के बीच का आदमी हूँ। शुक्ला देखिए, ब्रजेश शुक्ला नाम बता रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त मनीष सिसोदिया बाहर निकले, उनके ऊपर इंक फेंकी गई, पत्रकारों से वो उस वक्त बात कर रहे थे। ब्रजेश नाम बताया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया जिस वक्त उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर इंक फेंकी, और ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी इसी तरीके से शाही फेंकी गई थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
सीधे रुख करते हैं पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, दिल्ली वालों में गुस्सा है आम आदमी पार्टी को लेकर, दिल्ली की सरकार को लेकर। जब दिल्ली त्रस्त है तो दिल्ली सरकार के मंत्री बाहर क्यों घूम रहे हैं? हालांकि ये हम साफ कर दें कि इस तरह से विरोध करने का तरीका, स्याही फेंकने का तरीका, ये कतई जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये दिल्ली वालों का क्या गुस्सा है जो अब निकल रहा है? देखिए, गुस्से की तस्वीर तो खैर देखी ही, लेकिन राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि स्वराज जनता पार्टी बताया गया, जो दिल्ली के डीसीपी ने बताया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने, तो उन्होंने ये बताया कि स्वराज जनता पार्टी है जो जिससे ये ब्रजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे राजनीति भी समझ में आती है, और साफ है कि शाही फेंकना किसी मंत्री के ऊपर, जिस तरीके से इंडिया न्यूज साफ कर रहा लगातार कि ये गलत तरीका है, विरोध आप करें, लेकिन ये गरीता तरीका किसी भी कीमत में सही नहीं ठहराया जा सकता। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलकित बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस की ओर से कहा गया स्वराज जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है।